मैं सोमनाथ घोष, जमशेदपुर झारखंड से, और मेरी एसोसिएशन विद डॉग्स स्टार्ट गोज बैक टू 1990, जो जब मैंने अपने पहले पेट डॉग स्पिट्स खरीदा था। उसके बाद मैंने डोवरमैन भी एज अ पेट रखा था, बट सीरियस शोज मैंने 1994 से स्टार्ट किया। और हमारे उस टाइम जर्मन शेपर्ड मैंने लिया था नवाब नज़ीर यार जंग से, और वो मेरे साथ को ओनरशिप में हमारे जो केनल है, प्रीफिक्स है उल्सबेक, उनके जो को ओनर थे मिस्टर पार्थो प्रतिम भौमिक, और मैंने इस डॉग को लाया था और इसके नाम था पाइगास किमोन। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और 94 से लेके अभी तक 2020 तक हमने रेगुलर शो किया है और ब्रीडिंग भी की है। और इसमें KCI शोज में हमने काफ़ी सारा विनिंग की है, हमने बहुत सारे चैम्पियन डॉग्स भी ब्रीड किए हैं एज वेल एज एग्जिबिट भी किए हैं डिफरेंट ब्रीड्स पे, बट हमारे प्राइमरी ब्रीड जर्मन शेपर्ड रहा है। और अभी भी मैं जर्मन शेपर्ड को ही सीरियसली करता हूँ। 94 में मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बेंगलोर शिफ्ट किया था। ड्यूरिंग दोज डेज जर्मन शेपर्ड की किंग हुआ करते थे डॉक्टर वेंकटेशन, जिनके मेंटरशिप के अंडर में मैंने जर्मन शेपर्ड सीखना स्टार्ट किया। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ जो मेरे को डॉक्टर वेंकटेशन जैसा मेंटर मिला, और उन्हीं के हाथों से मैंने जर्मन शेपर्ड की फंडामेंटल्स और बेसिक मुझे सीखने मिला। जर्मन शेपर्ड्स के अलावा गन डॉग्स में भी मिसेस प्रमिला सिंह, उस टाइम बेंगलोर में एक सीनियर गन डॉग स्पेशलिस्ट हुआ करती थी, और मेरी जो पहला लेसन ऑन गन डॉग्स उन्हीं से मिला। फिर डोवरमैन और रॉटविलर्स मैंने सीखा माइकल थैम, जो उस समय की वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर्स माना जाता था साउथ में। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मेरी जो इनिशियल डेज में मेरी जो मेंटर्स थे वो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन थे, और शायद उसी वजह से मैं इतना दिन कंटिन्यू कर पाया हूँ डॉग गेम में। कभी मैंने अपने आप को मतलब ये नहीं समझा कि मेरी जो डॉग की जो लर्निंग की प्रोसेस है वो ख़त्म हुई है, और वो कंटिन्यू अभी भी चल रही है। और एवरी डे हम जब नए नए आदमी से मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस डॉग ब्रीडर्स से, या इवन नॉविस भी बहुत सारे जो है उनसे हमको सीखने मिलता है, और ये जो लर्निंग प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना चाहिए। द मोमेंट वी स्टॉप दिस लर्निंग प्रोसेस हमारे जो नॉलेज वहीं स्टॉप हो जाती है। जर्मन शेपर्ड के बारे में क्या बताऊँ, मोस्ट वर्सेटाइल डॉग ब्रीड अभी तक जितने भी डॉग ब्रीड्स है इसमें से जर्मन शेपर्ड की जैसी वर्सेटाइल डॉग ब्रीड और कोई भी नहीं, चाहे वो कंपेनियन हो, वर्किंग हो, गार्डिंग हो, पेट्रोलिंग हो, या किसी तरह के जॉब असाइन करते हो तो जर्मन शेपर्ड से परफेक्ट और कोई ब्रीड अभी तक ह्यूमन के कांटेक्ट में और नहीं आया है। द कंप्लीट डॉग जो हम जानते हैं वो जर्मन शेपर्ड ही है। अभी जो जर्मन शेपर्ड के जो वेरिएंट्स है, जैसे हम अगर इसको शो डॉग के हिसाब से देखते हैं तो इनके जो स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं, जो SV के स्टैंडर्ड्स है, उसमें जो मोस्ट एम्फेसिस दिया गया है वो है वर्किंग एबिलिटी एंड कैरेक्टर एंड एज वेल एज करेक्ट कन्फर्मेशन। नाउ जर्मन शेपर्ड इज अ वर्किंग डॉग विच हैज़ टू वर्क थ्रू आउट द डे, और उसके लिए उनकी एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी पॉसिबल है जब करेक्ट कन्फर्मेशन हो। एक डॉग जो दिन भर काम करेगा उसके लिए उसके एनर्जी को प्रिजर्व करना उसके करेक्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से ही पॉसिबल है।
अभी हमने ट्रेंड देखा है जो कुछ फैंसी ब्रीडिंग कर रहे हैं कुछ लोग, जो बड़े हेड, बड़े साइज, बड़े हाइट और हेवी बोन्स, तो वो करेक्ट जर्मन शेपर्ड्स नहीं है। जर्मन शेपर्ड्स शुड बी इज़ अ मीडियम साइज डॉग, और इसकी एजिलिटी और इसकी जो टेम्परमेंट बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और ख़ासकर इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसकी जो कंस्ट्रक्शन उसको सपोर्ट करे। और इनकी नॉर्मली जो जर्मन शेपर्ड क्लासिफाई हम लोग करते हैं, इसमें एक आ जाता है जो DDR जर्मन शेपर्ड, जो पर्टिकुलरली जिसकी मेन काम है वर्किंग ही काम है। दूसरी जो हम लोग जो नॉर्मल जर्मन शेपर्ड जो फॉलो करते, जो हमारे यहाँ शोज़ में देखा जाता है, ए डॉग है ब्यूटी विद ब्रेन्स। और इसमें खूबसूरती के साथ साथ इसकी एनाटॉमी और इसकी मूवमेंट बड़ी अहमियत रखती है, और करेक्ट मूवमेंट आती है करेक्ट कंस्ट्रक्शन से। और कंस्ट्रक्शन में एंगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंगुलेशन एंड एज वेल एज प्रोपोर्शन। अगर करेक्टली एंगुलेटेड डॉग या करेक्ट प्रोपोर्शन ना हो तो अच्छी मूवमेंट कभी नहीं आ सकती है। और इसके लिए साइज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, अगर साइज़ बड़ी है तो वो भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत छोटी है वो भी प्रॉब्लम है। फॉर अ पर्टिकुलरली हम लोग अगर मेल की बात करते हैं, एक मेल अगर 65 सेंटीमीटर उसकी हाइट स्टैंडर्ड हाइट है, तो वहाँ हम लोग उसको 65 से 66 तक उसको परमिट कर सकते हैं मैक्सिमम। मगर अंडर साइज मेल कभी भी प्रेफर्ड नहीं है। अंडर साइज मेल हमेशा स्ट्रेंथ की उसकी कमी रहेगी, और जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मेल जो एट अ फर्स्ट लुक जो मेल लुक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फीमेल की जो है स्लाइटली अंडर साइज भी ये परमिसेबल है, बट पर्टिकुलरली मेल के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो एटलीस्ट वो स्ट्रेंथ शो करे अपना। और ये जो स्ट्रेंथ के साथ साथ इनकी कैरेक्टर भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये तैयार रहे। जर्मन शेपर्ड ब्रीडिंग की जो ट्रेंड है ये है, देखा गया है लास्ट 50-60 ईयर्स में SV की जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेम ही रहती है मगर टाइप चेंज होती रहती है। टाइप, स्टाइल, फैशन ये चेंज होते रहती है एवरी 10 से 15 साल में। आप देखोगे इनकी एक अलग अलग टाइप, एक अलग अलग स्टाइल आपको नज़र आएंगे। और बट अगर आप इसकी रिटर्न स्टैंडर्ड या ब्लूप्रिंट देखोगे तो ये आपको सेम मिलेंगे, इसमें ज़्यादा वेरिएंट आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम जर्मन शेपर्ड की आइडियल मूवमेंट की जो SV की ऑफिशियल वीडियो है, वो डिंगो हॉस गेरो करके एक डॉग था जिस पे बनाया गया था, दैट वाज इन लेट 80s, और आज भी वो स्टैंडर्ड फॉलो होता है एज अ SV उसी को फॉलो करता। बट अगेन करंट अगर डॉग्स आप देखोगे तो इनके टाइप और स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम दोज डॉग्स। अभी ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ है, किसी को पुरानी टाइप पसंद है, किसी को नई टाइप पसंद है, और ये इंडिविजुअल ब्रीडर की जो परसेप्शन है, जो वो किस तरह के ब्रीड करना चाहता है। अगर एक्सपीरियंस ब्रीडर जो है वो पर्टिकुलरली एक टाइप लेके चलता है, उनके ब्रीडिंग की हर एनिमल वो सेम टाइप की रहेगी। और इसकी वजह से क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है ब्रीडिंग में, और जो उनको एक अलग स्टैम्प देता है। जर्मनी में अगर हम लोग कहते हैं जो भी मेन ब्रीडर्स है उनके केनल के अब सारे डॉग्स आपको सिमिलर लगेंगे, और ये जो है केनल टू केनल वेरी करता, ये सारे डिफरेंट केनल्स के जो है अपने एक ब्रीडिंग की स्टाइल रहती है, और वो उसको यूनिक बनाती है उसको। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे सीनियर ब्रीडर्स रहा है जिन्होंने बहुत अच्छी ब्रीडिंग की है, और जर्मन शेपर्ड की अगर ब्रीडिंग स्टैंडर्ड हम अगर आज देखें, आज ब्रीड इन इंडिया डॉग्स काफ़ी स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर चुका है। 30 साल पहले एक इम्पोर्ट को हराना काफ़ी मुश्किल था,
आज कोई भी ब्रीड इन इंडिया डॉग कहीं से भी आके जीत सकता है, और ब्रीडिंग स्टैंडर्ड हैज़ इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली इन लास्ट 30 ईयर्स, पर्टिकुलरली इन जर्मन शेपर्ड्स। और इसकी लिए हमें कुछ सीनियर ब्रीडर्स जो है, जिन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे डॉग्स इंपोर्ट किए हैं और जीन पूल में कंट्रीब्यूट किए हैं, और हमें उनकी शुक्रगुजार होनी चाहिए जो उन्हीं की वजह से आज ये स्टैंडर्ड इतनी अच्छी हो गई है इंडिया की। और हम इसको आज इंडिया की जर्मन शेपर्ड लेके हम कंपेयर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन विथ यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जर्मन शेपर्ड्स, हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि जर्मन शेपर्ड पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं और उनके स्टैंडर्ड ऑफ ब्रीडिंग बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंपोर्ट्स है, वहाँ इंपोर्ट्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे इंपोर्टेड डॉग्स हैं। बट अगर ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया के जर्मन शेपर्ड्स की स्टैंडर्ड ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बेटर है। अगर आप इंडिया में छोटे छोटे जगह में, छोटे छोटे कस्बे में जाओगे तो वहाँ भी ऐसे ऐसे डॉग्स आपको देखने मिलेंगे जो आपको हैरान कर देगा। मगर इनको सारे को इकट्ठा एक जगह शो में करना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। आप हमारे स्टेट को ले लो, झारखंड में रांची में, जमशेदपुर में, इवन पटना में बहुत ऐसे डॉग्स हैं जो बहुत ही अच्छे डॉग्स हैं। और मेट्रोज की तो बात ही छोड़ो, मेट्रोज में जैसे कलकत्ता में बहुत सारे अच्छे डॉग्स हैं, इवन साउथ में आप चले जाओगे, साउथ में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉग हैं, और नॉर्थ इंडिया में भी, पंजाब से लेके सारे बेल्ट में। तो ये सारे डॉग्स को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इनको एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इन सारे अच्छे डॉग्स को एक साथ इकट्ठे कर दोगे तो आपको लगेगा आप यूरोप या कहीं मतलब बहुत बड़े कंट्री में शो हो रही है। और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रैवलिंग और ये सारे चीज़ की इतनी इश्यूज है जिसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। और यही वजह से मुझे हमें लगता है जो कुछ लोगों का कहना है नहीं इंडिया की स्टैंडर्ड अच्छी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया की स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छी है। और इसके लिए हमें जो 90s में 80s में जो ब्रीडर्स ने इम्पोर्ट किया था, और उसके बाद फिर बहुत सारे ब्रीडर्स की कंट्रीब्यूशन रहा है इस मतलब इस डेवलपमेंट के पीछे, खासकर भिंदर साहब है पंजाब में, डॉक्टर वेंकटेशन है, मिस्टर संजय देसाई है, मिसेज हेमचंद्रा है, रमेश के ही है, और अब्दुल्ला नूरी थे। तो ये सारे ने जो कंट्रीब्यूट किया है, आज उन्हीं का रिजल्ट है जो इंडिया में स्टैंडर्ड इतने अच्छे है। मिस्टर संजीत मोहंती है वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड एसवी जज, और वो हमारे लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया से जाके उन्होंने एसवी की जजिंगशिप मतलब जजिंग असाइनमेंट कर रहा है। और उनके जैसे वास्ट नॉलेज बहुत कम आदमी के है, और करंटली भी बहुत सारे ब्रीडर्स अच्छे कर रहे हैं, जैसे कपिल कृष्णमूर्ति आज बहुत अच्छा कर रहा है, और वो एक अलग स्टैंडर्ड में लेके चले गया जर्मन शेपर्ड को। हमारे दोस्त है मिस्टर विश्वास राज, वो भी बहुत अच्छे ब्रीडिंग कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, व्योम गुप्ता है, और कलकत्ता भी अगर बात करोगे तो हमारे सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस ब्रीडर मिस्टर प्रदीप घोष, मिस्टर अभिजय मुखर्जी, मिस्टर कौशिक, डॉक्टर कौशिक घोष, और हरिंदम गांगुली, ये सारे बहुत इनके सारे बहुत कंट्रीब्यूशन है। अभी रिसेंटली मिस्टर राणा रॉय ने भी बहुत अच्छे डॉग इंपोर्ट किया है। तो ये जो इंपोर्ट करके इन्होंने बहुत सारे जो जीनफुल कंट्रीब्यूट किया है, जिसके लिए क्या है, जो हमारे जैसे बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिनके लिए इंपोर्ट एक्सपेंसिव इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ उस जीन पूल हमारे लिए बहुत काम आती है। रिसेंटली मिस्टर राजीव चौधरी जो है गाज़ियाबाद के, उन्होंने बहुत अच्छा इंपोर्ट किया, वो वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन जर्मन शेपर्ड, और उनकी जो डॉग है जेहू वो भी बहुत अच्छा डॉग है, और उसकी भी जीन पूल कंटिन्यू हो रही। तो ये जो
हमारे जो ब्रीडर सेगमेंट है या जो इम्पोर्टर है, ये इतने वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं, मगर हरचंद सिंह उनके नाम भूल गया था, वो भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटर है, जिनके ब्रीडिंग और जिनके वास्ट नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट रहा है जर्मन शेपर्ड फ्रैटर्निटी के लिए। और अगर आप साउथ में भी देखोगे, जाफत करके है, जाफत भी बहुत अच्छा डॉग उर्सुस जो है उसका रहा है, और उर्सुस ने काफ़ी सारे डॉग प्रोड्यूस किया है जो ब्रिड इन इंडिया डॉग के हिसाब से बहुत अच्छा विनिंग किया है। तो हम इन सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन रहा है। आप एक आदमी का नाम पर्टिकुलरली नहीं ले सकते हो इसमें, जो यही बेस्ट है, ये जो इकट्ठे हमने इनके सारे के नाम लिए, इनके वजह से आज इंडिया के जर्मन शेपर्ड स्टैंडर्ड इस लेवल पे आई है। और हम उम्मीद करते हैं जो अभी जो प्रेजेंट बहुत आदमी जो इंपोर्ट कर रहा है या ला रहा है डॉग, इनकी वजह से आने वाले दिन और बेटर रहेंगे, और हम यहाँ से यूरोप में भी कम्पीट कर पाएंगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जो जर्मन शेपर्ड के ऊपर थे, एक सीनियर जर्मन शेपर्ड ब्रीडर जर्मनी के, उन्होंने अपलोड किया था, बहुत अच्छा वीडियो था। उसने कहा था कि उसके दोस्तों ने उसे पूछा था, जो हम भी शो करना चाहते हैं, हम भी तुम्हारे जैसे विन करना चाहते हैं, हम भी जर्मन शेपर्ड रखना चाहता है। तो उसने कहा था, मुझे 10 साल लगे हैं इसको खाली स्टडी करने के लिए, और 10 साल के बाद मैंने ये विनिंग और इस तरह की ब्रीडिंग मैंने करना स्टार्ट किया, और उन्होंने 100% सही किया। ये टाइम और एक्सपीरियंस ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, और इसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एक गलती करते करते आप सीखते हो, कोई सीख के पैदा नहीं होता है। और ये मेरे जो अभी नए फ्रेंड्स है, जो हमारे यहाँ के फ्यूचर है, जो ब्रीडिंग के लिए जिन्होंने ब्रीडिंग सीरियसली लिया है, तो मैं उनके लिए मैसेज यही छोड़ना चाहिए, जो आप डॉग ब्रीडिंग बहुत पेशेंस की चीज़ है, और लर्निंग प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। एक एरर, कोई ब्रीडर जो ऐसा नहीं होता जो जिसका एरर नहीं होता, उस एरर को ओवरकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, और आपका थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ को कंबाइन करने के बाद ही आपको एंड रिजल्ट अच्छा रहेगा। आप खाली ब्लड लाइन, खाली पैसे और खाली बड़ा डॉग खरीदने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनाटॉमी, आपकी पहले की ब्रीडर्स की क्या एक्सपीरियंस रहा है, ब्रीड की स्टैंडर्ड कैसी चेंज हुई है, करंट क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह के डॉग्स विन कर रहे हैं, जजेस क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह के जजेस के अंडर शो करोगे, तो ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं लैब्राडोर ब्रीड करता हूँ या मैं लैब्राडोर एग्जिबिटर हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा मैं इस ऐसे जज का अंडर शो करूँ जो लैब्राडोर या गेटडॉग स्पेशलिस्ट हो। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा मैं एक डैक्शन स्पेशलिस्ट का अंडर लैब्राडोर लेके उनकी ओपिनियन लेने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगा जिन्होंने अपने लाइफ लैब्राडोर के पीछे गुजारे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा, और शायद वहीं से मेरे इम्प्रोवाइजेशन का सब्जेक्ट मतलब एजेंडा मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप विनिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। विनिंग, आप आज के ज़माने में जो मैसेज गया है वर्ल्ड को, जो आपके पास पैसे है, आप कहीं की भी विनिंग डॉग ला के बेस्ट हैंडलर को हायर करके आप जीत सकते हो, मगर उससे आपकी नॉलेज कहीं नहीं गेन हो रही है। तो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है एक लिमिटेड टाइम तक है। आप कितना जीतोगे, आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मगर आप तो ब्लैंक हो। तो ये जो है, ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप में क्या है। आप ऐसे ब्रीड करो क्या, आप अपना विनर खुद अपने ब्रीड करो, वो नए जवानों को मैसेज जाना चाहिए। और नए जो लड़के हैं, इनका टारगेट है विनिंग। एक शोज में विनिंग या लूजिंग से कुछ नहीं होता, आप जो सस्टेन कर रहे हो 10 साल 15 साल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके व्यूज़, आपकी गोल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके विजन नहीं रहेंगे तो कोई अचीवमेंट रहेंगे नहीं है। आप
आज जानते नहीं हो आपको क्या करना है, किस ब्रीड पे जाना है। अगर विनिंग आप ऐसे ब्रीड ला रहे हो जिसपे कंपटीशन नहीं है, उसमें आप जीत रहे हो, आपकी नाम हो रही है, मगर उस ब्रीड की क्या उस ब्रीड की डेवलपमेंट में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपसे आपकी ब्रीडिंग को लेके बाकी कौन जीत रहा है, आप छोड़ के और दूसरे के घर में। आप खुद सक्सेसफुल ब्रीडर उसी टाइम होगे जब आप ब्रीड करके अगले को दोगे या किसी को दोगे, वो विन कर रहा, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये चीज आदमी को ध्यान में रख के ब्रीडिंग करना चाहिए, जो हम अपने खाली नहीं जीते, अपने ब्रीडिंग को दूसरे के पास ऐसे आदमी को दे जो उसको जिता पाए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रैदर देन खाली जीतना या हारना, ये टेम्पररी है। और पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, आप जब तक जीत रहे हो आदमी की मेमोरी में आप हो, मगर अगर आप सक्सेसफुल ब्रीडर बनना चाहते हो तो आपके ब्रीडिंग कहीं भी हो वो आपको अलाइव रखेगा। यही मेरा मैसेज है इनके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, एंड होप दैट विल मीट सम टाइम, एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन विच विल कंटिन्यू, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग पैशन फॉर एवरीवन।